मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, शैक्षिक परामर्शदाता, पॉडकास्ट साइंस, राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में हूँ। मेरा विषय है मानवाधिकार की व्याख्या, चुनौतियाँ एवं समाधान। यह विषय आपके पॉडकास्ट साइंस के UGPS अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड 3 विकास संबंधी मुद्दे के अंतर्गत इकाई 7 से इकाई 11 तक वर्णित है, और साथ ही यह DCCPS 103N के अंतर्गत आता है। आज हम मानवाधिकार की व्याख्या, चुनौतियाँ जो व उसका समाधान जो है, उसके व्याख्या करने के पहले उसके जो जो बिंदुओं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वे मुख्य बिंदु हैं। पहला, इसके अंतर्गत हम लेंगे लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति। दूसरा, स्वतंत्रता व नागरिक अधिकार। तीसरा, मानवाधिकार का इतिहास व सार्वभौम घोषणा। चौथा, मानवाधिकार की व्याख्या, इसके अंतर्गत दो दृष्टिकोण अपनाएंगे। और पांचवा, पर्यावरण सुरक्षा विकास। छठा, उपभोक्ता जागरूकता, इसके अंतर्गत हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता वर्चस्व व पेटेंट की लड़ाई, इसी में नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, उदारीकरण, बहुराष्ट्रीयकरण और निजीकरण। इसके साथ साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है, इनकी चर्चा करेंगे। सातवा पॉइंट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाम गोपनीयता के अधिकार की चर्चा करेंगे। आठवां, नागरिक अधिकार, नागरिक संगठन व न्यायपालिका की क्या भूमिका है, इनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि मानवाधिकार में सुशासन, गुड गवर्नेंस आवश्यक है, इसके अंतर्गत हम विधि के शासन, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सत्ता का विकेंद्रीकरण, कंप्यूटर क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। फिर मानवाधिकार की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, इनकी चर्चा करेंगे। और 11वां, जिसके अंतर्गत मानवीय मूल्यों के परिपेक्ष में राजनीतिक अमूल्यन की दशा और दिशा क्या है, इसके अंतर्गत हम लोकतंत्र के बदलते स्वरूप, सामाजिक न्याय व आरक्षण, जिसके अंतर्गत लिंग भेद समस्या, आर्थिक न्याय का वर्तमान परिदृश्य क्या है, राजनीतिक न्याय, सांस्कृतिक अमूल्यन और अंत में उपसंहार और समीक्षा चर्चा करेंगे। पहले हम पॉइंट लेते हैं लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, और लोकतंत्र के 3 प्रमुख सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है। और लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व निर्माण के ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं। इस संदर्भ में लोकतांत्रिक समाज में हम 3 व्यक्ति को 3 दशाएं होना आवश्यक है, जिसमें उसको स्वतंत्रता मिले, अतः स्वतंत्र वातावरण हो। दूसरा, सुरक्षा की गारंटी हो। तीसरा, उत्पीड़न से बचाव का संरक्षण हो। मानवाधिकार का इतिहास व घोषणा अगर हम देखें, मानवाधिकार शब्द यद्यपि नया है, लेकिन मानवाधिकार के जो बीज हैं बहुत पहले हमारे धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई हो, पर्शियन हो, सभी धर्मों में मानवीय सद्गुण, मानवीय व्यक्तित्व, मानव गरिमा आदि के बारे में चर्चा की गई है। अगर इतिहास में जाएं तो सबसे पहले हम 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा में पाते हैं, जब मानव को कुछ अधिकार दिए गए और राजा के अधिकार थोड़ा सा सीमित किए गए। इसके बाद बिल ऑफ राइट्स, पिटिशंस ऑफ राइट, फिर अमेरिकन क्रांति आई, फिर फ्रेंच क्रांति, रशियन क्रांति, अन्य क्रांतियों के जरिए मानवाधिकार की बातों की चर्चा की गई
और मानवाधिकार के हितों की रक्षा के संदर्भ में संकल्प उठाते रहे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, दोनों में मानवाधिकार का अतिक्रमण हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था आर्थिक सामाजिक परिषद ने मानवाधिकारों के व्यापक अध्ययन के लिए मानव आयोग 1946 की स्थापना की और यही मानव आयोग मानव अधिकारों की व्यापक संरक्षण करके महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया। अगर हम देखें मानव अधिकार की तो बातें चर्चा होती रही, लेकिन क्या चुनौतियां उसको मानव को आती रही 21वीं सदी में, इसमें प्रमुख समस्या जो है आतंकवादी हिंसा, जेलों में कैदियों की असंतोषजनक स्थिति, पुलिस हिरासत में मृत्यु, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार जिसमें उनका यौन उत्पीड़न, उनको पीटना, मारना, उनके शरीर को छेड़ना या रेप, कभी कभी रेप के कारण या यौन उत्पीड़न द्वारा उनकी मृत्यु हो जाना, ये समस्या मानवाधिकार की प्रमुख चुनौती थी। इसके अतिरिक्त नागरिक असंतोष को दबाने के लिए पुलिस, अर्धसैनिक बल या सैनिक बलों का जो प्रयोग होता है, रंग भेद की नीति, जाति भेदभाव, असमान पारिश्रमिक, प्रशासकीय हिंसा, माफिया गिरोह का आतंक, पारिवारिक हिंसा, जन समुदायों का शोषण, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महाशक्ति या बड़े राष्ट्रों द्वारा छोटे राष्ट्रों में बढ़ती दादागिरी, राज का आतंक और मानवाधिकार के कुछ असरों पर संयुक्त राष्ट्र का असफल होना और न्यायालयों की सक्रियता का अभाव आदि प्रमुख चुनौतियां हैं। न्यायपालिका की भूमिका और नागरिक संगठन के बारे में यदि हम देखें तो मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य रक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका की रही है और इसमें मानवाधिकार के संगठनों को पूर्ण करने में न्यायपालिका ने अहम भूमिका निभाई है। इसी परिप्रेक्ष्य में 1975 में नागरिक स्वतंत्रताओं और लोकतांत्रिक अधिकारों हेतु जन संगठन बनाया गया जिसका नाम था पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट। यह 1980 में आकर यह संगठन दो खंडों में विखंडित हुआ, एक लोकतांत्रिक अधिकारों हेतु बना जन संगठन और दूसरा राष्ट्रीय नागरिक स्वतंत्रताओं हेतु बना जन संगठन। इन जन संगठनों की प्रमुख क्रियाएं लोक हित के मुकदमे थे, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, लोक अदालतें, न्याय पंचायतें, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पारिवारिक न्यायालय आदि हैं जिनके माध्यम से लोगों को न्याय प्राप्त हो सके। यद्यपि मानव अधिकार के उल्लंघन होने पे मानव अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी न्यायालयों पर है, न्यायालयों का निर्णय प्रायः देरी से आता है जो मानवाधिकार पे एक प्रश्न चिन्ह है। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार आयोग का काम भी है कि वह मानव अधिकारों की रक्षा करे, लेकिन मानवाधिकार आयोग का काम जो है वह मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना होता है और उसकी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को देना होता है। उस रिपोर्ट को स्वीकार करना या स्वीकार न करना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसे में मानव गरिमा का प्रश्न उठता है, क्योंकि मानव गरिमा का तात्पर्य है कि हमें अन्याय प्रताड़ना से स्वतंत्रता प्राप्त करना है, साथ ही साथ भूख शोषण से मुक्ति पाना भी है। हम मानव अधिकारों की व्याख्या को
हम दो दृष्टिकोण के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं, दो दृष्टिकोण अपना सकते हैं। पहला दृष्टिकोण है मानव अधिकारों के अंतर्गत हम नागरिकों को जेल, बंधन, दासता और निरंकुश शासन से मुक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात नागरिक को बंधन, जेल, दासता, निरंकुश शासन से न केवल मुक्ति हो, तो दूसरे दृष्टिकोण के अंतर्गत मानव को ऐसी दशाओं का निर्माण की बात कही गई है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर मिले, उसे स्वतंत्रता, सुरक्षा, उत्पीड़न से बचाव का संरक्षण हो, अर्थात उसको व्यक्तित्व विकास के लिए जो दशाएं चाहिए वो मिल सके। पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण के संदर्भ में देखें, पर्यावरण सुरक्षा भी मानवाधिकार के अंतर्गत एक अहम अधिकार है। हम औद्योगिक क्रांति के कारण भौतिकता के विकास ने, वैज्ञानिक तकनीकी विकास ने जहां हमारे प्रकृति के संसाधनों का, खनिज संपदा का दोहन किया, उससे प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों को स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण में जीने के अधिकार का अतिक्रमण हुआ। इसके लिए न्यायालय ने व्यक्ति के जीने के अधिकार के अंतर्गत स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल के पक्ष में निर्णय दिया, जो मानव अधिकार की दिशा में एक अच्छा कदम है। इसमें रतलाम नगर पालिका बनाम मध्य प्रदेश, भोपाल गैस दुर्घटना आदि निर्णयों में मानव अधिकारों के फेवर में न्यायालय ने निर्णय दिया। पर्यावरण सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी बहुत प्रयास किए गए और प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस में पृथ्वी को कैसे बचाया जाए और उसके वातावरण को गर्मी आने उससे कैसे सुरक्षित हो, इस बात की चर्चा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी उपग्रह जो वर्ष का उद्देश्य है, अपनी धरती को अपने बच्चों, उनके बच्चों के लिए कैसे बचा के कार्य करें ताकि हमारी पृथ्वी सुरक्षित, प्रदूषण मुक्त, संपदा युक्त रह सके, अर्थात हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हमारी खनिज संपदा, प्राकृतिक संसाधन सेफर, हेल्दियर एंड वेल्दियर बनी रहे। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने पृथ्वी उपग्रह अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में यह भी निर्धारित कर दिया कि हम अपनी प्रकृति का, अर्थात धरती के प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन को रोक के बची हुई खनिज संपदा का योजनाबद्ध, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से प्रयोग करें ताकि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, खनिज संपदा सुरक्षित रहे और आने वाली जनसंख्या के लिए वह सुरक्षित बनी रहे। इसी के साथ साथ सूचना के अधिकार बनाम गोपनीयता के अधिकार को लेते हैं। सूचना का अधिकार भी मानवाधिकार के अंतर्गत एक अधिकार के रूप में है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो भी आवेदन किया जाता है उसको स्वीकार, यानी सूचना के अधिकार के अंतर्गत 2005 के अंतर्गत नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत नागरिकों को सरकारी संगठन के किसी प्रकार के प्रश्न या उसके जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और इसके अंतर्गत केंद्रीय सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और इसमें नागरिक अपने सूचना के अधिकार के तहत विभिन्न सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, अपनी निजता, गोपनीयता को भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन
ये सूचना का अधिकार जो अधिनियम है इसके अंतर्गत सूचना नागरिक को 30 दिन के अंदर दी जाएगी और धारा 8 और धारा 9 के अंतर्गत जो सूचना अधिकार के अंतर्गत है उसमें कुछ स्थितियों के अंतर्गत ऐसी सूचनाएं नागरिकों को नहीं दी जा सकती जिसमें पहली सूचना है कि भारत की संप्रभुता अखंडता राज्य की सुरक्षा वैज्ञानिक आर्थिक हित वैदेशिक संबंध पर अगर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। दूसरा वह सूचना जिससे प्रकट होने पे न्यायालय की अवमानना होती है। तीसरा वह सूचना जिसके प्रकट होने पे संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है। चौथा वह सूचना जिसमें वाणिज्य विश्वास व्यापार गोपनीयता बौद्धिक संपदा सम्मिलित है जिसके प्रकट होने पे किसी व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है। पांचवा वह सूचना जिसके प्रकट होने में किसी व्यक्ति के जीवन सहायक सुरक्षा खतरे में पड़े। छठा वह सूचना जिससे अपराधियों के अभियोजन या पकड़े जाने की प्रक्रिया में अड़चन पड़े। सातवां मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्रिपरिषद के सचिव अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श अभिलेख सम्मिलित है। आठवां विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। नौवां वह सूचना जो व्यक्तिगत है जिसके प्रकट करने से व्यक्ति की एकांतता या निजता पर अनावश्यक अतिक्रमण होता है। दसवां ऐसी सूचना जिससे तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी से संबंधित हो ऐसी जानकारी को भी गोपनीय माना जाएगा। इसके अंतर्गत ये सूचना व्यक्ति को देने में रोक लगाई जा सकती है। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया के अंतर्गत पुलिस अफसर को फौजदारी के मुकदमों में सबूत पेश करने के लिए किसी स्थान व्यक्ति की तलाशी का अधिकार प्रदान किया गया है और तलाशी से संबंधित कानून मानव अधिकार और हर व्यक्ति की मर्यादा को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। फिर भी गोपनीयता बरतने के प्रयासों में सरकारी पदाधिकारियों द्वारा इस मानव अधिकार के दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब हम नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता जागरूकता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं औद्योगिक विज्ञान तकनीकी विकास के कारण औद्योगिक क्रांति के कारण विकास से एक जो प्रक्रिया आरंभ हुई उससे एक वैचारिक क्रांति आई जिसने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया और जिसने पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। इसके कुछ समय बाद प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवादी व्यवस्था आई और इसी के कुछ समय के बाद नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ 1990 में जिसने उदारीकरण बहुराष्ट्रीयकरण निजीकरण के माध्यम से विश्व को एक नई दशा प्रदान की। इसके अंतर्गत यह बतलाया गया कि आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य जो है गरीबी को दूर करना आर्थिक असमानता में कमी लाना है। ऐसे में विकास के लक्ष्यों की परिभाषा में कुपोषण बीमारी निरक्षरता गरीबी बेरोजगारी असमानताओं में कमी लाना इन्हें समाप्त करने की बात कही गई। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बोलबाला हुआ उनका जमाना आया। उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े राष्ट्र पेटेंट के जरिए हमारी उत्पादन की वस्तुओं राष्ट्रीय जो खोज थी जैसे तुलसी है हल्दी है नीम है बबूल है आदि से निर्मित वस्तुओं को अपना बता के हमारी आर्थिक आज़ादी और समृद्धि पर चोट पहुंचा दी है। ऐसे में ये आर्थिक उद्देश्य पे ही चोट नहीं पहुंचा रही बल्कि हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता पे भी चोट कर रही हैं। ऐसे में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो बढ़ता वर्चस्व है पेटेंट की लड़ाई जो है उसमें
नागरिकों की जागरूकता की आवश्यकता है। अगर इस परिपेक्ष में हम देखें कि 16वीं शताब्दी के वक्त को लेते हैं, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच कंपनी, पुर्तगीज, डच आदि आर्थिक उद्देश्य से भारत में आए थे, लेकिन यहाँ की राजनीतिक स्थिति को देख के इन कंपनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक पावर बन गई और हम गुलाम बन गए। ऐसे में आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों के जरिए हमारे घर के द्वार तक पहुंच गई है, सामान से बाजार पटे पड़े हैं, उदारीकरण, बहुराष्ट्रीयकरण, निजीकरण के अंतर्गत इनका जो नीतियां हैं उसके अंतर्गत वे हमारे बाजार व्यवस्था को एक दिशा प्रदान कर रही हैं। इसी के कारण उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पड़ी और इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, संरक्षण करने के लिए 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारत ने जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया था, इसमें उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए गए जिनकी जानकारी प्राप्त के एक आम उपभोक्ता जागरूक उपभोक्ता की श्रेणी में आ सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को निम्न अधिकार दिए गए हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार। खाद्य ऐसी सामान या खाद्य जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है उससे सुरक्षा मिले। सूचना का अधिकार। हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में किसी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गुणवत्ता के संबंध में, उसके अच्छाई के बारे में जान सकते हैं। चयन करने का अधिकार। हम कौन सा प्रोडक्ट लें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हो, फ्रिज हो, टीवी हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे जैसे मोटर व्हीकल हो, उसमें हमें चयन का अधिकार होना, नागरिक को होना है कि वह क्या सामान लें। इसके अतिरिक्त अगर प्रोडक्ट खराब निकलता है तो उस पर सुनवाई का भी अधिकार है। इसके अंतर्गत कोई भी उपभोक्ता अपने जो सामान खरीदा है उसकी पर्ची लेके जिला उपभोक्ता फोरम में विवाद को दायर कर सकता है। इतना ही नहीं, राज्य उपभोक्ता फोरम भी बना है और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम है जिसमें उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी कंपनी कारखाने के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी शिकायत है उसके समाधान का अधिकार इसके अंतर्गत है। छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, जिसके जरिए उपभोक्ता शिक्षा के माध्यम से अपने सामानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और क्या उचित है उसका निर्णय कर सकते हैं। आज बेलग्राम उपभोक्तावाद के खतरे उत्पन्न हो गए हैं और इसी के कारण आज वनों की कटाई, खनिज संपदा का अंधाधुंध जो हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, ये सब विकास के नाम से किया जा रहा है, जिसके कारण न केवल हमारे प्रदूषण की समस्या हो रही है और बेलग्राम उपभोक्तावाद एक समस्या भी बन गया है। इसके लिए हमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जागरूक उपभोक्ता बनने की आवश्यकता है। मानवाधिकार के अंतर्गत हम गुड गवर्नेंस और सुशासन की भी बात करेंगे। गुड गवर्नेंस के अंतर्गत हम कानून के शासन को, उत्तरदायित्व है, समानता है, विकेंद्रीकरण है, जवाबदेही है, पारदर्शिता है, ईमानदारी, प्रशासनिक गुणवत्ता, सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर प्रयोग रेखांकित किया जा सकता है और गुड गवर्नेंस की अवधारणा के अनुसार सरकार की कार्यप्रणाली, संगठनों को पुनः व्यवस्थित और पुनः संगठित किया जा सकता है। जवाबदेही, पारदर्शिता लाई जाए, इसी कारण 21वीं सदी में
गुड गवर्नेंस के अंतर्गत इन चीज़ों के साथ साथ कंप्यूटर क्रांति, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, इंटरनेट संचार क्रांति का बोलबाला रहा, जिसका प्रभाव सरकार के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में भी दृष्टिगोचर हो रहा है। अब हम मानवीय मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक अवमूल्यन की दशा दिशा क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 21वीं सदी का जमाना है जिसमें राजनीतिक मूल्य जो हमने स्वीकार किए हैं उसमें लोकतंत्र, समाजवाद, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, मानववाद, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, विश्व शांति, लोक कल्याणकारी सिद्धांत आदि प्रमुख है। हम इसी में अगर हम लोकतंत्र को ले तो वर्तमान में लोकतंत्र का जो बदलता स्वरूप उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं और लोकतंत्र की प्रसिद्ध परिभाषा जो है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह परिभाषा को हम दूसरे अर्थों में थोड़ा सा चेंज ला देते हैं। ऑफ द पीपुल में ओ डबल एफ ऑफ द पीपुल हो गई है, एफ ओ आर फॉर द पीपुल की संति एफ ए आर जनता से दूर हो गई है, बाई द पीपुल जो जनता के लिए है बी यू वाई हो गई, जनता खरीदने के लिए हो गई है। तो जो लोकतंत्र का वर्तमान स्वरूप बदल रहा है यह एक प्रश्न है। दूसरा है सामाजिक न्याय में आरक्षण। आज देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, इनको समाज के मुख्य धारणा से जोड़ने के लिए अधिकांश राजनीतिक दलों ने, समाज सुधारकों ने उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया और इसका उदाहरण उन्होंने ऐसे व्यक्ति से किया कि कमजोर नज़र वाले व्यक्ति को यदि चश्मा प्रदान किया जाता है तो वह समान नज़र के समान देख सकता है। तो यही आरक्षण के माध्यम से उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। लेकिन क्या वास्तव में जो सामाजिक न्याय है जो उठा है वह ज़्यादा उठ रहा है, जो पिछड़ा है अभी भी उसी कगार में खड़ा है? सामाजिक न्याय का तात्पर्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वह सभी परिस्थितियाँ मिलें जिससे वह अपना विकास कर सके। क्या आज महिला जो आधी आबादी है हमारी, बुजुर्ग वर्ग जो हैं, विकलांग जो हैं, बेरोजगार युवक जो हैं, सामाजिक न्याय की धारा के अंतर्गत उनको क्या सामाजिक न्याय मिला हुआ है यह विचारणीय है। न्याय में हम लिंग भेद की समस्या को भी शामिल करते हैं। लिंग भेद की समस्या में महिला उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न जो है यह एक मानवाधिकार की प्रमुख समस्या है, सामाजिक न्याय में एक प्रश्न है। और हम जानते हैं, जो पता है कि नारी अपनी रक्षा सतत की के लिए अपने पिता, भाई, पति, पुत्र पर आश्रित रहती है। लेकिन लिंग भेद की जो समस्या है, अगर हम प्रकृति पर अवलोकन करें, जो कीट पतंग, जानवर, पशु पक्षी हैं, उसमें लिंग भेद जैसा कोई भेदभाव नहीं है, वे परस्पर मिलजुल के रहते हैं। जबकि मानव एक बुद्धिमान प्राणी होने के कारण, होमो सेपियंस प्राणी होने के कारण, उसमें लिंग भेद की समस्या ज़्यादा है। यद्यपि महिलाओं की समस्याओं को हल करने के लिए महिला आयोग बना है, पारिवारिक न्यायालय है और केंद्र और राज्य के कानून आदि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हुए हैं, जो कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत हम इसको ले सकते हैं। आर्थिक न्याय को अगर देखें, आज आवश्यकता है व्यक्ति के स्वावलंबन की, आत्मनिर्भरता की और न्यूनतम आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास की। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है, बहुराष्ट्रीयकरण है, उसके कारण बेरोजगारी
महंगाई, भ्रष्टाचार, आय में असमानता, न्यूनतम आवश्यकता की कमी, बहुराष्ट्रीयकरण और पेटेंट आदि की जो समस्या आ रही है वह आर्थिक न्याय की एक प्रमुख चुनौतियां हैं। राजनीतिक न्याय में देखें, आज एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत व संविधान सभी के लिए होने के बावजूद भी जो वर्तमान में हमारी सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था है, क्या उसमें हम राजनीतिक न्याय की कल्पना संभव है, यह भी एक प्रश्न है। इसके साथ साथ हम सांस्कृतिक अमूल्यन की ओर अगर देखते हैं, हमारा देश परंपराओं का, हमारे रीति रिवाजों, संस्कारों और आदर्शों से भरा पड़ा है। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह कहावत चरितार्थ थी। और एक इसी के अंतर्गत एक कहावत जो पहले कहावत थी कि इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। आज जो भौतिकवादी संस्कृति है उसके कारण जस्ट उल्टा दिखाई दे रहा है। इफ कैरेक्टर इज गॉन नथिंग इज गॉन, यानी कहने का मतलब गया कि चरित्र गया तो खुश नहीं गया, क्योंकि व्यक्ति झूठ बोलने, वादे से मुकरने, झूठे वादे करने, यानी मैकियावेली मानव बन गया है, मतलब निकल गया तो पहचानता नहीं। हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, अभी भी हम बहुत से लोग हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आज ड्रिंक्स, खाद्य समस्या, जीभ को स्वाद जो अच्छा दे उसके कारण जो हम खान पान में बदलाव आया है वह हमारे स्वास्थ्य पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। आज हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, स्पून फीडिंग लाइफ जी रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। तीसरा, जो वेल्थ इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, ये कहावत आज चर्चा दिखाई दे रही है कि जान जाए पर दमड़ी न जाए। हम भौतिकवादी संस्कृति में धन का संग्रह करते जा रहे हैं और अपरिग्रह सामानों का संग्रह के जरिए इतना ज़्यादा कर लिए हैं कि हम अपने जो हमारे राष्ट्र था, कैरेक्टर के मामले में मजबूत था, वह हम उससे पीछे होते जा रहे हैं। यह एक सोचनीय प्रश्न है। अंत में हम समीक्षा उत्तरदायित्व के बारे में, समीक्षा या उपसंहार के बारे में कहना चाहेंगे कि आज 21वीं सदी में उपसंहार के संबंध में, समीक्षा के संदर्भ में यह कहना चाहेंगे कि आज आवश्यकता है कि हम अपने संस्कारों को, अपने मानवाधिकार के बारे में जाने समझें। जैसे गांधी जी ने, जब हमारा देश गुलाम था, लोगों की अंतरात्मा को जगाने का काम किया, क्योंकि ब्रिटिश काल में हम ब्रिटिश सरकार के अत्याचार अन्याय को सह लेते थे, मुख से बोलते नहीं थे। गांधी जी ने यही भारतीयों की सोई अंतरात्मा को जगाने का काम किया। आज हम मानवाधिकार के जानने, व्याख्यान करने, सम्मेलन करने से कुछ नहीं होगा, हम उसके प्रति सजग रहें। उसके साथ साथ हम न केवल मानवाधिकार की बात करें, अपने अधिकार की बात करें, बल्कि कर्तव्य को भी जानें। हम दूसरे के अधिकारों के लिए जो भी कर्तव्य करेंगे वह मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में रहेगा। आज हमें अन्याय, अत्याचार जो हो रहा है उसके खिलाफ बोलना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने आज के वक्तव्य को मानवाधिकार के समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे छात्रों का भविष्य उज्ज्वल हो। थैंक यू।